देखो पिछले कई टाइम से मैं सोच रहा था कि इतना ज्यादा कंटेंट हमारे सामने से निकल गया, सबके बारे में हम बात ही नहीं कर पाए, और एक ऐसा ही टॉपिक, एक ऐसी पिक्चर के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में हमारे जितने भी लोग हमको फॉलो करते हैं ना, उनका बस मेरी गुद्दी पकड़ना बाकी रह गया था। कह रहे थे भैया इसके बारे में बोलोगे नहीं बोलोगे। जी हाँ, नाम है पिक्चर का हिंदुत्व। आज भले ही एक कॉन्ट्रोवर्सियल टर्म इसे बना दिया गया, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ और मुद्दे इस पर बनने लगे हों, लेकिन हिंदुत्व वो बेस है जिस पर वीर सावरकर जी जैसे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की धार है हिंदुत्व, महाराणा प्रताप की तलवार की शक्ति है हिंदुत्व। खैर, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन दिक्कत वहां आती है जब अंग्रेजी में धर्म का अनुवाद रिलीजन कर दिया गया। सारी कंफ्यूजन यहीं से आई। भारतीय संस्कृति में ना भैया धर्म का अर्थ बहुत बड़ा है, और उसी अर्थ के आधार पर खड़ा है हिंदुत्व का अस्तित्व। और जब अर्थ को ही कंफ्यूज कर दिया गया तो उससे निकले विचार के साथ डिबेट तो होगी ही ना, और वही डिबेट ये फिल्म छेड़ है। नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक। इस फिल्म का पूरा नाम है हिंदुत्व चैप्टर वन, मैं हिंदू हूँ। यानी नाम से ही क्लियर है कि इसके आगे भी कई पार्ट्स आ सकते हैं। ट्रेलर में हमको आशीष शर्मा, सोनालिका भदौरिया, अनूप जलोटा, दीपिका चिघालिया, अंकित राज जैसे एक्टर्स दिखाई देते हैं। सारे ही ऑलमोस्ट टीवी से जुड़े हुए हैं। ट्रेलर में एक लड़की की कहानी है जो कॉलेज लाइफ में हुए कुछ इंसिडेंट्स को देखकर गुस्से में है, और वो इंसिडेंट्स कहाँ से इंस्पायर्ड है आपको मालूम ही होगा। फिर कई सारे नेताओं को भी फिल्म में दिखाया गया है जहाँ दो कम्युनिटीज के बीच के इवेंट्स दिखते हैं। एक फ्रेंडशिप की भी कहानी है जिसमें स्कूल लाइफ के दो दोस्तों की सोच कॉलेज आते ही अचानक बदल जाती है। फिर टेररिज्म वाला एंगल भी आता है, और हिंदुत्व को लेकर एक नरेशन भी मेन लीड के द्वारा देखा जाता है। फिर इसके एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, और ट्रेलर हिंदुत्व के एक मोनोलॉग की लाइन पर खत्म होता है। देखो फिल्म का जो ट्रेलर है ना, वो एक सीधी लकीर खींचता है अपने कंटेंट और नैरेटिव के बारे में, सीधी लकीर जहां पॉलिटिकल करेक्टनेस नजर नहीं आती। तो जो भी इसमें दिखाया है, क्या ये इनके फेवर में जाएगा या इनके अगेंस्ट, आइए इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके प्लस पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला है तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रेलर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही और गलत के बीच सीधी लकीर खींचता है। ये ऐसी फिल्म नहीं है जो सवाल खड़े करे जिसका जवाब आपको ढूंढना है, बल्कि सीधे नैरेट करता है और अपने मैसेज को क्लियरली बताता है जो इनको दिखाना है। कई लोगों को एक कॉन्ट्रोवर्शियल भी लग सकता है, लेकिन कई लोगों के हिसाब से एकदम एक तरफ की बात बोली गई है, तो भैया यही सही है। तो ये इसके पॉजिटिव में भी जा सकता है। पॉजिटिव नंबर टू, यंग टैलेंट। क्योंकि इसमें टीवी से जुड़े लोग हैं, इसलिए ये मत सोचना कि ये कोई हल्की बात है, उल्टा ये फिल्म की ताकत भी बन सकता है। क्योंकि यंग टैलेंट हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, कोई स्टारडम वाला एटीट्यूड भी नजर नहीं आता। कहानी को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो लोग हैंडल करते हैं, यही वजह है कि ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन देखो पिक्चर का पॉजिटिव बताया ना, अब आपको वीडियो का भी पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। आज तीसरा T20 मैच है, इंदौर में होने वाला है, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच। उस मैच से पहले अपनी टीम बनाओ, उसको मेगा कॉन्टेस्ट में टॉप करवाओ, और महिंद्रा थार जीतने का मौका पाओ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया आप बोलते ही हो, थार वार मिलती है क्या? भैया थार छोड़ो, ऑडी कार जीती है ये महाराष्ट्र के प्रवीण जाधव जी ने। जी हाँ, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड इन्होंने भी किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप भी इस ऐप को डाउनलोड करो और 1500 का ज्वाइनिंग बोनस तो मिलेगा ही। साथ में इस पर मिलकर अपनी टीम बनाएंगे और आज के मैच से पहले आपको बढ़िया महिंद्रा थार जीतने का मौका भी दिलवाएंगे। इनको तो ऑडी मिल गई प्रवीण भैया को, हो सकता है आपको थार ही मिल जाए, क्या समझे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के कुछ माइनस पॉइंट्स की। जी हाँ, पहला तो कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक तो भैया है। फिल्म का कंटेंट क्या होगा 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल है तो कई लोगों को ये ठीक नहीं लगेगा, इसलिए वो थिएटर तक नहीं जाएंगे। वरना अगर कोई ऐसी पिक्चर है जो मिडिल पाथ पकड़ के चलती है तो हो सकता है फिर भी लोग उसको देखने जाएं, ये देखने के लिए कि भैया बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ट्रेलर देख के क्लियर है कि यही बोलना चाह रहे हैं, इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। दूसरा पॉइंट है डायलॉग। ओहो, सच बताऊं तो कई सारे डायलॉग ऐसे हैं जो इंप्रेस बिल्कुल नहीं करते। दरअसल जहां रिलीजन आ जाता है ना, वहां चीजों को बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो और क्या दिखाना चाहते हो वो गलत साउंड नहीं करना चाहिए, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मैसेज भी चला जाए, इसलिए ये कई लोगों को अटपटा लग सकता है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन वैल्यू। बाबा रे बाबा, बिल्कुल भी देख के मजा नहीं आया। जाहिर सी बात है लोग यही बोलेंगे बजट उतना नहीं था, तो भैया थोड़ा पैसा जमा करके अच्छा ही बना लेते। खैर, अटेम्प्ट के मार्क्स तो आपको होंगे, स्टार पावर नहीं है और प्रोडक्शन वैल्यू भी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये पॉइंट भी इस फिल्म के अगेंस्ट जा सकता है, क्या समझे। बाकी आपने देखा, आपका क्या विचार आया कॉमेंट
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी जरूर लिखना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाना, आपके लिए माय 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो 1500 का ज्वाइनिंग बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ महिंद्रा थार जीतने का मौका मिलेगा। और एक बार प्रवीण जी का चेहरा आपको दिखाना चाहेंगे और इनसे आपको मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रवीण जाधव जी ने ऑडी जीती है, तो आप थार तो जीत ही सकते हो, लेकिन इस ऐप पे आपको मिलकर अपनी टीम बनानी होगी। कैसे बनाओगे? रणतंत्र का वीडियो देख लो हमारे नोपो चैनल पर जाकर। आज आपके लिए मस्त टीम बनाया हमने, सेम टीम कॉपी कर सकते हो। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और रिव्यू पर डाउट और कौन सी चीजों का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद।